लुधियाना के दीप हस्पताल दे विच इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन दे वल्लों दो दिन हैंड्स ऑन वर्कशॉप की शुरुआत की गई। इस वर्कशॉप दे विच स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे वल्लों महिलावां नूं किस किस तरह की हेल्थ इशूज आंदियां ने उन्हां दे बारे बड़ीकी दे नाल दस्सिया अते होर उन्हां की कुछ कहा एक बार तुसीं जरूर सुनो। मैम डॉक्टर गुरसिमरन खुराना है और मैं दीप हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हूँ। आज हम यहाँ पर फिजियो वर्ल्ड की एसोसिएशन के साथ एक CME कम कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं ऑन पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनीता पटेल आई हैं गुजरात से, जो एक सर्टिफाइड पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन इंस्ट्रक्टर हैं। पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा और टॉपिक है। बहुत सब लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है जो अननोटिस्ड और अनट्रीटेड जाती है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरीज होने के बाद पेल्विक फ्लोर मसल्स का लूज हो जाना, नीचे भार पड़ना, पॉटी का रास्ता सामने आना जिसको रेक्टोसील बोलते हैं, पेशाब की थैली का सामने आना जिसे सिस्टोसील बोलते हैं। बहुत सब मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उनको डायरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़े, पर फिजियोथेरेपी के तरीके से, उस माध्यम से इनका इलाज किया जा सकता है और बीमारी का प्रोग्रेस फर्दर रोका जा सकता है। हमारे पास यहाँ आज कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है इस मुद्दे पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब पेरिफेरी से लगभग 25 फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं। थैंक यू। यस मैम, नमस्कार। जो सेमिनार हो रहा है उसके बारे में क्या कहना? नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पी जेटली, एसोसिएट प्रोफेसर, एकेडमिक रजिस्ट्रार और वाइस प्रिंसिपल DAV इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन जलंधर से। ये पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन पे जो सेमिनार हुआ है और डॉक्टर पोमिला चोपड़ा ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, उसको अटेंड करने के लिए यहाँ आई हूँ। इस सेमिनार में मैम सुनीता पटेल हमारे साथ हैं और उन्होंने उन सारी बीमारियों जो फीमेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर जो रिहैबिलिटेशन जो रोल फिजियोथेरेपी का है उसको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। और इसका हम सब पंजाब के यहाँ पे पंजाब के बहुत सारे फिजियोज दूर दूर से आए हैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, और जो लोग मैटरनिटी होम्स के साथ अटैच्ड हैं फिजियोथेरेपिस्ट दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, एंड जो लोग जैसे कि मैं एकेडमिक्स पढ़ाती हूँ, मेरा सब्जेक्ट जो है वो गायनी है, तो वी आर ऑल्सो गेटिंग वेरी मच बेनिफिट फ्रॉम दिस वर्कशॉप। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम डॉक्टर पोमिला है। मैंने आज एक दीप हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होके एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया, हैंड्स ऑन वर्कशॉप है पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन पे। आम लोगों को इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है कि फिजियोथेरेपी का रोल सिर्फ जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स में ही नहीं होता है, अर्थराइटिस में नहीं होता है, पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन में भी होता है। पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम आती है फीमेल्स में प्रेगनेंसी से पहले भी और प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है और कैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट इस चीज़ को, इन प्रॉब्लम्स को कवर अप कर सकते हैं, उसके लिए आज हमने डॉक्टर सुनीता पटेल आए हैं गुजरात अहमदाबाद से। स्पेशली शी इज़ अ ट्रेंड इंटरनेशनली रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट जो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, और हमारे पास पूरे पंजाब से, हरियाणा से, नियर बाय एरिया से अराउंड 25 फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं जो हैंड्स ऑन टेक्निक सीख रहे हैं और इन टेक्निक्स को आगे अपने फर्दर पेशेंट्स में अप्लाई करेंगे। कि ज़्यादातर ये जो टेक्निक्स हैं, हम इनकॉन्टिनेंस जिसमें यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, प्रोलैप्स यूट्रस फीमेल्स में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद होता है कि यूट्रस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और बाकी मैम ने बताया कि किन किन कंडीशंस में हम इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं और जनरल पॉपुलेशन को अपनी फिजियोथेरेपी से क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि, आई एम रनिंग माई क्लिनिक इन होशियारपुर। टुडे डॉक्टर पोमिला ने अरेंज करवाया है डॉक्टर सुनीता पटेल का सेमिनार दीप हॉस्पिटल लुधियाना में। सो वी आर हेयर टू नो द वुमेन बॉडी। सो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हमें पहले पता थी कि लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ हैपनिंग विद द वुमेन हेल्थ, आज हम उसको बेसिकली ज़्यादा डीपली उस चीज़ को हम सोच रहे हैं, उस चीज़ पे हम रीथिंक कर रहे हैं और कैसे हम वुमेन को
आजकल जो प्रेजेंटली वुमेन को इतनी प्रॉब्लम आ रही है उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, ये सब हम उन्हें बता सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। उन्हें इस चीज़ की रिहैबिलिटेशन चाहिए। मोस्टली वुमेन्स बाहर नहीं आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, वो लोगों को नहीं बताती हैं कि उनको इंटरनली क्या चल रहा है। तो हम चाहते हैं बेसिकली कि हम थ्रू फिजियोस हम सब जो टीम बनकर एक अच्छे से हम वुमेन को गाइड करें कि कैसे वो अपनी बॉडी के साथ डील करें। जो बच्चे हैं प्यूबर्टी अभी जिन्होंने अचीव की है उन बच्चों को गाइड कर सकें, इवन कि बॉयज़ को भी गाइड कर सकें, ताकि वो सब बेसिकली इतना जो हमारी हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसको बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकें उस चीज़ के। करने आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सारी वेल प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर पॉमिला। मैंने और भी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं डॉक्टर पॉमिला के साथ, एंड आई एम फॉलोइंग डॉक्टर सुनीता पटेल फ्रॉम वेरी बिगनिंग। हाय, दिस इज़ डॉक्टर सुमन एंड मैं जलंधर से आई हूँ। आई हैव माई क्लिनिक ओवर देयर इन जलंधर। सो बेसिकली इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लर्न ओवर हेयर, ऑल थैंक्स टू डॉक्टर पॉमिला दैट वी आर लर्निंग हेयर। बेसिकली द टेक्निक इज़ ऑन पेल्विक फ्लोर रिहैब, एंड हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल गायनेकोलॉजिकल इशूज़ के लिए। फीमेल्स अवेयर हो रही हैं कि फिजियोथेरेपी प्लेज अ गुड रोल। तो कहीं ना कहीं आई वॉज वर्किंग एज अ वुमेन हेल्थ प्रैक्टिशनर, बट कहीं ना कहीं आई वॉज फीलिंग द लैक ऑफ नॉलेज कि कहीं ना कहीं हम उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, हम डॉक्टर सुनीता से बहुत अच्छा लर्न कर रहे हैं, एंड अगेन ऑल थैंक्स टू डॉक्टर पॉमिला फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल वर्कशॉप। थैंक यू। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हो, क्या सेमिनार हो रहे हैं? हेलो, मेरा नाम सुनीता पटेल है और मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। मैं पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट हूँ और ये जो सेमिनार है ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हमने अरेंज किया है, जिसमें हम पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो हमारी काफ़ी सोसाइटी की फीमेल्स को अफेक्ट करती है, जैसे कि यूरिन को होल्ड ना करने वाली समस्याएँ हैं, या फिर वहाँ पर दर्द होता है नीचे के प्राइवेट एरियाज़ में, उनकी दिक्कत है, या कॉन्स्टिपेशन है उसमें ये जो यहाँ पर एक मसल होती है जो कई बार बहुत टाइट हो जाती है या फिर वो बहुत लूज हो जाती है, वीक हो जाती है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है वो सब हम ट्रेनिंग में, 2 दिन का हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा और जो 18 से 20 घंटे चलने वाला है, इसमें हम लोग आपस में मिलकर पूरा ये लर्निंग प्रोसेस है। और आई एम गोइंग टू गिव दिस ट्रेनिंग टू ऑल आर डॉक्टर्स। अलग अलग जगह से लोग आए हैं, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब के, पूरे पंजाब से लोग यहाँ पे सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं, और दिल्ली से भी डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं इसको सीखने के लिए। सो लेट्स सी कि हम अच्छे से सीखें और हमारी सोसाइटी को अच्छे से हेल्प कर पाएँ उन दिक्कतों में जो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमारी फीमेल को, पेशेंट्स को अफेक्ट करती है, जैसे कि यूरिन को, यूरिन लीक करने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अब यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कई बार इन तरह की बातें नहीं शेयर कर सकती हैं, उनको क्या मैसेज है? मैं सच में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी दिक्कतें कहीं ना कहीं एक छुपी हुई दिक्कतें हैं, हम उसको पर्दे के पीछे रखने की कोशिश करते हैं और अंदर ही अंदर उनके साथ जूझते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी दिक्कत हो आप आओ, सिर्फ कम्युनिकेशन की एक्चुअली जितना आप हमसे पूछोगे, बात करोगे, शेयर करोगे, हम आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन दे पाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम जो आप लाइफ टाइम की बड़ी प्रॉब्लम बना रहे हो, शायद ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, छोटे से ही थोड़े से ही कुछ काउंसलिंग सेशंस और सिर्फ शेयरिंग ही आपको शायद बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर ले आए। तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को आप छुपा के रखना बंद करो, अपने चीज़ों के बारे में बोलो, हमें हमारी खुद की बॉडी के बारे में ही नहीं पता होता है। सो इट्स टाइम कि हम खुद को समझें, खुद के बारे में बात करें, ज़रूरी है। तो आप सब आओ और प्लीज़ डू इट। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आरुषि हूँ, मैं पटियाला से हूँ, मैं एक्यूएम फिजियोथेरेपी क्लिनिक रन कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी एक वर्कशॉप हो रही है पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन की वर्कशॉप, ये डॉक्टर सुनीता मैम करवा रही है। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप फॉर ऑल द फीमेल्स। हमारे यहाँ पटियाला में इतने फ्लड्स आ रहे थे, पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, बट आई वॉज डेफिनेट इनफ कि मुझे ये वर्कशॉप लगानी है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आप लगा लो कि आफ्टर बर्थ हो रही हैं, बिफोर बर्थ हो रही हैं, सेक्शुअल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हैं, और लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, कि अगर फीमेल्स में बैक पेन है या उनमें क्या दिक्कत है, वो उनको नहीं समझ आता। बट अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो आती हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, हम उन्हें अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, हमें पता लगता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम जो है उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम है या उनकी पेल्विक प्रॉब्लम है या उनको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, तो ये हम डायग्नोज कर पाएंगे अच्छी तरह से जब हम ये वर्कशॉप लगाएंगे। हम आगे आगे जो जो अपडेशंस आ रही हैं आजकल, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, हम उसको अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम अपनी बॉडी को, फीमेल्स की बॉडी को नहीं जान पाएंगे। कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम, उसकी मतलब गाइडेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको सही गाइडेंस भी मिल पाती है? जी बिल्कुल, क्योंकि फीमेल्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर को घूमती रहती हैं। जब तक उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं किया जाएगा, तब तक प्रॉपर सोल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा। अब स्पेशली पटियाला से आए हो, कैसा मतलब? हमारे यहाँ तो इट वॉज ऐसे था कि रेस्क्यू करके हमें बचाया गया था, बट एवरीवन इज सो शॉक्ड कि आप आए कैसे हो। बट मेरे अंदर एक ये थी काबिलियत कि भाई मुझे आना है, मुझे करनी है ये वर्कशॉप, ताकि मैं अगर सीखूँ तो मैं अपने पेशेंट्स को उस तरह से ट्रीट कर पाऊँ। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू डॉक्टर पोमिला, कि उनकी हेल्प से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। एंड मैं सब फीमेल्स को, सब फिजियोथेरेपिस्ट को बोलना चाहूँगी कि ये वाली वर्कशॉप आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, और आपको समझना चाहिए अपनी खुद की बॉडी को, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को, ताकि आप इसके लिए अवेयर हो जाओ और आप औरों को भी अवेयर कर सको। हेलो सर, मैं डॉक्टर ईशिता हूँ और मैं यहाँ दीप हॉस्पिटल में पैल्विक फ्लोरिंग की रिहैबिलिटेशन की वर्कशॉप के लिए आई हूँ। एंड आई एम सो थैंकफुल टू डॉक्टर पोमिला एंड डॉक्टर सुनीता पटेल, जो कि वहाँ यहाँ गुजरात से यहाँ पे आए हैं लुधियाना में, हमें इस चीज़ के लिए गाइड आउट करने के लिए। और इट्स टू मच इंफॉर्मेशनल फॉर अस, क्योंकि हमें ये आज ये पता चला कि फीमेल वजाइना इज़ नॉट ओनली फॉर सेक्स, इट्स हैविंग सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन। और जो हमें फीमेल्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इनकॉन्टिनेंस की, प्रोलैप्स यूट्रस की, और भी बहुत सारी इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि चल रही हैं। तो इट्स सो हेल्पफुल फॉर अस टू गाइड हमारे पेशेंट्स के लिए, हमारी मम्मियों के लिए, जो कि इन चीज़ों पे बात ही नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें कि मैम ने इतना आगे होके हम सबको ये सिखाया। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी हमारे पंजाब में फ्लड्स वगैरह सब कुछ चल रहे हैं, तो यहाँ पे पटियाला से, चंडीगढ़ से, मोहाली से, और अमृतसर, जलंधर और फगवाड़ा वगैरह, सभी पंजाब के जितने भी फिजियोज हैं सभी आए हैं। सो दैट इज़ सो इन्फॉर्मेशनल फॉर अस कि हम लोगों को इतना अच्छा अवेयरनेस क्रिएट कर दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच।